श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारस मल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगिनी देव द्वारा विरचित ज्ञानकोश ग्रंथ की वाचना में देख रहे थे। आचार्य महोदय ने किस प्रकार चित्त पर ज्ञान के द्वारा अंकुश लगाने की बात को बड़ी सहज शब्दों में प्रस्तुत किया है। आचार्य महोदय ने आध्यात्मिक पुट देते हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भाव कर्म परित्यज्य इत्यादि कार्य का कही। पुनः संसार की अनित्यता, अन्यत्व भावों को प्रस्तुत किया और पुनः कार्य का नंबर 38 में देख रहे थे एकत्व भावना का स्वरूप। आचार्य महोदय ने स्पष्ट ही लिखा है, एक है करोति कर्म, एक अकेला जीव ही कर्म को करता है, तत्फलम भुगते चेको भी तत्फलम, और वह अकेला ही उसके फल को भोगने वाला होता है। एको जायते नूनम, निश्चय से एक ही जन्म लेता है और भवांतर में भी ये जीव अकेला ही जाता है। यह जीव आत्मा किसी के भी निमित्त से चाहे पुण्य कार्य करता है चाहे पाप कार्य करता है, दोनों भावों के माध्यम से कर्म का बंध होता है। शुभ भाव भी बंध का कारण है, अशुभ भाव भी बंध का कारण है। शुद्ध भाव के माध्यम से बंध किंचित होता है, किंतु उसमें कषाय की तीव्रता न होने पर अनुभाग और स्थिति कम होती है। प्रकृति बंध इतना हानिकारक नहीं होता, प्रदेशों का समूह कितना भी हो उतना हानिकारक नहीं है। सूखा ईंधन कितना भी इकट्ठा हो जाए, सूखे ईंधन के जो गट्ठर हैं कितने बड़े बड़े भी हों और सूखी रस्सियों से बंधे पड़े हैं, उन सूखे ईंधनों के गट्ठरों को यदि पेट्रोल या डीजल के कुंड में डाल दिया जाए, फिर भी जो व्यक्ति ये जानता है इन सूखे लकड़ी के गट्ठरों को भले ही बड़े बड़े ही रस्सियों से बंधे हैं, इनका पहाड़ जैसा ढेर लग रहा है और समुद्र जैसे कुंडों में पड़े हैं जिन कुंडों में डीजल और पेट्रोल भरा हुआ है, मैं एक अग्नि की चिंगारी इसमें डाल दूँ तो सब स्वाहा हो जाए, जिसे ज्ञान है वह उसे कभी घबराता नहीं। अग्नि जिसके पास है और ज्ञान जिसके पास है और श्रद्धा है, इसके माध्यम से सब ध्वस्त हो जाएगा, उसे घबराने की आवश्यकता नहीं। किंतु इसके विपरीत जो अज्वलनशील पदार्थ हैं जिनमें ज्वलनशीलता नहीं है, अग्नि से भी नहीं जलते, उस बंधन को प्राप्त जीव, उसमें जकड़ा हुआ जीव कैसे मुक्त होगा, बड़ा कठिन है। यानी वह चारों तरफ से घिरा हुआ है लकड़ी के ढेर से, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है,
जैसे माना कि लवण समुद्र घेर लिया हो और वह जम्बू द्वीप में सुमेर पर्वत पर बैठा हो, किंतु फिर भी घबरा नहीं रहा। क्या उसे मालूम है ये तो तरल पदार्थ ज्वलनशील है, लकड़ी ज्वलनशील है, मैं कुछ ही देर में इसे ध्वस्त कर सकता हूँ। किंतु जो ज्वलनशील नहीं है, ऐसे मजबूत बंधन थोड़े से भी हों तो उनका काटना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं ज्ञान के माध्यम से और चेतना के सभी बंधनों को ध्वस्त किया जा सकता है, आत्मा निर्बंध अवस्था को प्राप्त हो सकती है। जब ये ख्याल आ जाए कि मेरी आत्मा अनादिकाल से एक थी, एक है और एक अखंड रहेगी, मेरी आत्मा में अन्य किसी आत्मा का प्रवेश नहीं है, मेरी आत्मा में अनात्मा का जो प्रवेश हो गया है वह मेरा नहीं है, शाश्वत नहीं है, बदलता रहता है। कभी मेरी आत्मा में पुद्गल किसी प्रकार स्थिति लेकर के आता है, कितने अनुभव लेकर आता है, समय आने पर निर्जीर्ण होता है, दूसरा पुद्गल आ जाता है, किंतु मेरा न था न है न होगा। अपनी आत्मा के बारे में जानता है उस व्यक्ति को, उस प्राणी को, उस योगी को कर्म संसार में अधिक समय तक रोक नहीं सकते। जो आसन भव्य जीव हैं, जिन्हें आत्मा की अनुभूति होती है, जो आसन भव्य जीव हैं, तत्ववेत्ता हैं, जिन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, अपने स्वभाव से पूर्णतः परिचित हैं, स्वभाव को जाना है, पढ़ा है, सुना है, देखा है, अनुभव किया है, वे कभी पुद्गल से घबराते नहीं। घबराता वही है जिसे उस पुद्गल से मुक्ति का उपाय मालूम नहीं हो। राग द्वेष में सना हुआ जीव राग द्वेष के बंधनों को तोड़ने में असमर्थ है, तो किंचित राग भी उसके लिए संसार संवर्धक है। और बहुत से राग में सना हुआ भी जीव किंतु वीतराग दशा को क्षणार्ध में प्राप्त करने में समर्थ है, तो वे बंधन उसके लिए दीर्घकाल तक संसार में रख नहीं सकते। वह लीनता अत्यल्प समय के लिए होती है, सहजता में नहीं, उसके लिए बार बार मोहर मोह चिंतन करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। एक अंधा व्यक्ति बार बार एक ही रास्ते से जाता है तो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि पहली बार जाने से ठोकरें लगी, कुछ असुविधा का अनुभव हुआ, बार बार जाने से इतना अनुभवी हो गया, अब सहजता में चला जाता है। शायद आँख खोल करके चलने वाला व्यक्ति ठोकर खा जाए, चाहे उसके कंकड़ पत्थर चुभ जाए, वो इतना अभ्यास हो गया, सहजता में चला गया। जो व्यक्ति डेली सीढ़ियाँ चढ़ता है उतरता है, उस सीढ़ियों से 100 बार चढ़ता है 100 बार उतरता है, वो अभ्यस्त हो गया, उसे थकान नहीं आती। पहली बार चढ़ने में उसे बहुत समय लगा, थकान भी आई, अब नहीं आ रही। कोई पहाड़ पर रहने वाले व्हील हैं, पहाड़ से नीचे पानी लेने आते हैं, फिर जाते हैं, खेलते कूदते हैं और वह दौड़ते वहाँ पर, उसे जंगल में दिन में 4, 6, 8 घंटा तक दौड़ते रहें, घूमते रहें, तब भी थकान नहीं होती। पत्थरों से चोट लग गई, गिर पड़े, ठोकर खाई, तब भी पुनः उठ के तैयार हो गए और पुनः पत्थरों का रस डाला, घाव ठीक हो गया। किंतु जो पहली बार उससे चौथाई भी चल लिया तो इतना थक गया कि वह बेहोशी की नींद में सो रहा है। तो ऐसे ही जो तत्ववेत्ता हैं, योगी हैं, मुनिराज हैं, ऋषिराज हैं, वे निरंतर अपनी आत्मा की भावना में संलग्न हैं, तो जैसे ही आँख बंद करते हैं वो तुरंत ही उन्हें अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। जैसे आपने किसी भगवान की मूर्ति को कई बार देखा हो, 100 बार देखा हो, अपनी आँखों में फंस गए हों, तो जैसे ही आप आँख बंद करते हैं, नहीं भी बंद करें, खुली आँखों में भी आपकी भगवान की तस्वीर दिखाई दे रही है। आप जिस व्यक्ति से बहुत अति राग करते हैं उसका चेहरा आपके नेत्र में घूमता रहता है। संसारी प्राणी कहते, कई बार कहते हुए सुने जाते हैं, कपल जो साथ में रहता है वह कहता है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैंने तेरे बिना जी नहीं सकती, और बस 24 घंटे आपका ही वो निरंतर चिंतन चलता रहता है, आँखों में आप भी झूलते रहते हैं, दिल में आप ही समाये हो, रोम रोम में आप समाये हो। जो ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति वह झूठ नहीं बोल रहा, उसे
चर्चा करते करते भी उसे वह चेहरा दिखाई दे जाता है जिस चेहरे के प्रति राग है। धर्मात्मा त्यागीवती है, उसे भगवान का चेहरा दिखाई देता है, गुरु महाराज का चेहरा दिखाई देता है, स्वप्नों में भी दिखाई देता है, कल्पना में दिखाई देता है। ऐसे ही जो योगी निरंतर बार 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 तत्व का चिंतन करते हुए आत्मा में डूबता है और जैसे ही चाहे आहार कर रहा है, विहार कर रहा है, उपदेश दे रहा है, चाहे लेखन कर रहा है, चाहे वह पढ़ा रहा है, अध्ययन करा रहा है, अध्यापन करा रहा है, चाहे व्रतोपास का चल रहा है, चाहे प्रतिगुण चल रहा है, चाहे स्वाध्याय कुछ भी चल रहा है, बस क्षण भर के लिए उपयोग नीचे गया, बस झांक लिया। जैसे कोई बालक बाहर के दृश्य को देखना चाहता है, बाहर देख करके आया, छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, हरियाली पर दौड़ लगा रहे हैं, कोई बॉल से खेल रहा है, कोई खिलौने से खेल रहा है, सर्कस चल रहा है, झूले बच्चे झूल रहे हैं, वह देख करके आया अपनी आँखों से, किंतु उसके पास माता पिता जबरदस्ती शाम हो रही थी पकड़ के घर ले आए, किंतु बालक को तो घर ले आए, बालक का मन वहीं लगा हुआ है, तो क्या करता है, छत पर जाकर के देखने की कोशिश करता है सामने वाले मैदान में क्या चल रहा है, फिर छत से भी नीचे उतार के ले आए तो सामने वाली खिड़की खोल करके वह मन करता है, फिर खिड़की से भी माँ ने खींच लिया, चल रात हो गई चलो यहाँ, तो उसके बाद भी क्या करता है, धीमे से माँ की निगाह बचती है, दौड़ के जाता है खिड़की में से झांक करके आ गया, फिर तुरंत आगे बैठ गया, फिर आँख बंद करके बैठ गया, मैंने कहा कहीं गया था वहाँ, कहते हैं बैठा हूँ, किंतु तो देख करके आ गया, फिर गया लौट करके, फिर देख करके आ गया, फिर गया फिर देख करके। ऐसे ही योगी बार बार जैसे क्षण भर का समय मिलता है बस झांक लेता है, ढुक, ये शब्द आता है ढुक, ढूंक लो, कहते हैं इतने भी थोड़ा ढूंक लो भाई, इतने भी निहाल लो, थोड़ा देख लो, एक निगाह या भी रखो, तो उपयोग की निगाह, आँख वाली निगाह नहीं, उपयोग की निगाह, उपयोग की धारा बार बार वहाँ जाए, जैसे पानी लेकर के आने वाली पनिहारिन चर्चा कर रही है, हाथ पांव चला रही है, ऐसे चल रही है, किंतु उसके बावजूद भी उसके सिर पर रखे हुए कलश गिरते नहीं है। सर्कस गाने वाला व्यक्ति रस्सी पर चल रहा है, लोगों को देख रहा है, ताली बज रही है, किंतु उसके बावजूद भी उसका उपयोग वहीं लगा हुआ है। ऐसे ही योगी संलग्न है, किसमें संलग्न है योगी, अपने आत्मा के स्वभाव में, अपनी आत्मा की शुद्ध परिणति में, बाहर तो उसे जाना पड़ता है, वह अंदर से बाहर आना नहीं चाहता, और जैसे आ भी गया तो जैसे मौका मिले तुरंत एक बार देख करके आ जाओ। किसी व्यक्ति की निधि धन राशि कहीं रखी हो, रात हो रही हो और वह खुले में रखी है, ताला नहीं लगा, अब उसे लगता है कोई व्यक्ति यहाँ से रहा चलता हुआ व्यक्ति भी उठा करके कोई भी जेवरात जेब में रख के लेने जाए, कोई दौड़ के आने जाए, उसे सामने कुएं पर पानी लेने जाना है या किसी और काम से जाना है, तो जा जरूर रहा है, बार मुड़ के देखता कोई या तो नहीं गया, मुड़ के देखता कोई या तो नहीं गया, वहाँ से देख रहा है जा रहा है, पैर आगे बढ़ रहे हैं, निगाह बार बार पीछे जा रही है। ऐसे ही योगी कुछ भी काम करे, जो चित्त में एक बार लीन हो गया तो बार बार पुनः पुनः प्रवृत्ति आत्मा की ओर आती है। आचार्य पूज्य बाबा स्वामी की कार्य का आपको याद है, ब्रुवन नपि न ब्रूते गच्छन नपि न गच्छति स्त्री तत्तस्तु पश्चन प्रपश्यति, बोलता हुआ भी योगी बोल नहीं रहा, चलता हुआ भी चल नहीं रहा, खाता हुआ भी खा नहीं रहा, सोता हुआ भी सो नहीं रहा, संसार की व्यवहार क्रिया करते हुए भी व्यवहार में लीन नहीं है, वे कर रहा है, उपयोग उसमें नहीं लगा रहा, कहीं कदाचित मन वचन या शरीर जाता है तुरंत ही वह लौटा लेता है, तुरंत ही उसे लौटा लेता है, वह उस अंदर से उसमें डूबता नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं उस ध्यान को प्राप्त करने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, तो यहाँ पर कार्य का नंबर 38 के माध्यम से कह रहे हैं, 38वीं कार्य का में कह रहे हैं, जो अभी अपने देखी थी कार्य का 37 देखी थी विगत दिवस, आज 38वीं कार्य का देखते हैं, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया, ऊर्ध श्वास विनिर्मुक्तम मद श्वास विवर्जितम मध्य शून्यम पदम कृत्वा न किंचदपि विचिंतित। ऊर्ध श्वासम विनिर्मुक्तम, ऊपर श्वास जो लेनी है वो श्वास को लो मत, पहले छोड़ दी, जा रही थी श्वास छोड़ दो, अब लेनी है लो मत, अब नीचे श्वास निकल के आ रही है उसे भी ऊपर न ले जाओ। क्या करना, जैसे कोई पंक्ति है, पंक्ति में आपको बीच में प्रवेश करना है
तो क्या करेंगी, प्री पॉन और पोस्ट पॉन। इसको जो यहाँ पर नंबर खड़ा है उसे इधर कर दिया, इधर ऐसे थोड़ा इधर कर दिया, तो बीच में जगह बन गई। जैसे ट्रैफिक हो तो क्या करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, जैसे भीड़ को इधर से इधर चलो, इधर चलो से उधर चलो, बीच में रास्ता खाली हो गया बाहर निकलते चले जाए। ऐसे ही जो श्वसन क्रिया है प्राणायाम की विधि है, उसमें ऊपर की सांस है जो उसको छोड़ना है उसको छोड़ दिया, जो पहले से पड़ी है उसे नीचे दबाई रहने दिया, उसको अंदर नहीं आने ऊपर नहीं आने दिया। ऊर्ध्व श्वास विनिर्मुक्तम, उससे तो मुक्त हो गए। ऊर्ध्व श्वासम विवर्जितम, नीचे की श्वास के प्रति भी अब निकालने का विकल्प नहीं, जहाँ है वहीं उसको रोक रोक दिया। फिर क्या किया, मध्य श्वास मध्य शून्य पदम कृत्वा, मध्य में शून्य विकल्पों को छोड़ दिया। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री चंदी महाराज बताते थे, रमो अरिंताड़म पद कहा, शांति से बैठ गई, रमो सिद्धाणम बोलने का विकल्प नहीं आया। उतनी देर के लिए सिद्धों की स्मृति आई, अरंतों की स्मृति आई, उस स्मृति में डूब गई। रमो अरिंताड़म कहते उनकी स्मृति में डूब गई, शब्द पूरी हो गए और पुनः सिद्धों का नाम अभी विकल्प नहीं आया। फिर रमो सिद्धाणम बोला तो यहाँ का बोल करके आचार्य बोलने का अड़मू आर्य बोलने का विकल्प नहीं आया, बीच में थोड़ा डूब गए कुछ क्षण के लिए। उतनी भी क्या है, वो शून्य अवस्था आ गई, वहाँ कोई विकल्प नहीं आ रहे हैं, विकल्पों से रहित अवस्था। वो अवस्था निश्चय धार की अवस्था बनती है, मध्य शून्य पदम कृत्व, मध्य अवस्था को प्राप्त करके योगी श्वास लेता है, सहज में लेता है। भोगी की श्वसन की क्रिया बहुत तीव्र होती है, यहाँ तक वह सोता भी है तब भी श्वास की गति बहुत तीव्र होती है, किंतु योगी इस तरह होकर के सहज बैठता है, श्वास गति सहज आ रही है, सहज जा रही है, और सहज में श्वास का आभास तक नहीं हो रहा सामान्य व्यक्ति को, किंतु फिर भी योगी देख रहा है, वायु को भी देख रहा है, वायु आ रही है जा रही है सहजता आ रही है, किंतु उसका इसको कुछ झटका नहीं लग रहा। श्वास लेते ही धड़कन तेज हो जाती है या अन्य विकल्प आते हैं, किंतु नहीं, योगी सहजता में। तो कहा मध्य शून्य पदम कृत्वा, शून्य मध्य में शून्य पद करके, न किंचित भी चिंतित, योगी को फिर कुछ भी चिंता नहीं करना चाहिए, बस आत्मा में डूब करके उसी का रसास्वादन अनुभव करना चाहिए। आज इतना ही बस पर्याप्त है, शेष चर्चा बाद में करना चाहिए। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। श्रीमती नीनू लोकेंद्र सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद।